इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टीएमटी सरिया और एमएस सिटी सर्विसेज करानगर श्रीनगर। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम के इलाके में। संगम का इलाका जो है काफी मशहूर है क्योंकि यहीं पे दरियाई जहलीम मिलता है, मगर आज जिस स्टोरी पे हम आए हैं, दरअसल मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करना चाहूंगा, ये दिखाए आपको कि किस तरह यहाँ पे लोकल्स ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और उसके बाद ये उस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जा रहा है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे खेल शायकीन भी मौजूद है और दरअसल स्टोरी का मकसद यह है कि ये ग्राउंड यहाँ पे डेवलप होना चाहिए। हालांकि संगम का इलाका जो है बड़ा इलाका है, हालांकि आपको पता ही है कि खेलकूद मेंटली और फिजिकली कितना जरूरी है, कोरोना वायरस कोविड 19 में इम्यूनिटी हासिल करने के लिए कितना जरूरी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करना चाहूंगा, वो आपको दिखाए किस तरह से यहाँ पे बच्चों में जुनून पाया जा रहा है। ये खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है। जरूरत इसी बात की है कि ये जो ग्राउंड है ये नेशनल हाईवे पे है और इसको स्पोर्ट्स ग्राउंड में तब्दील करना बहुत जरूरी है। बहरहाल लगातार हम संगम के खेल के मैदान में मौजूद है। दरअसल ये खेल का मैदान नहीं है, यहाँ पे ये लैंड है और यहाँ के मकामी लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक मिनी क्रिकेट स्टेडियम बनना चाहे। हालांकि ये इलाका, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इंडस्ट्रियल बैट का इलाका करार दिया है गवर्नमेंट ने कुछ साल कबल, मगर यहाँ पे खेल का मैदान होना बहुत जरूरी है। दरअसल यहाँ पे एक टूर्नामेंट आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पे लोकल्स। शकील अहमद हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है। मैं चुनाव शकील अहमद डार, रोजन हालमुला संगम। मैं खुलो लोकल टूर्नामेंट, मगर टूर्नामेंट खतर ग्राउंड बराबर मैं कौर पानी कोशिश टूर्नामेंट असल बना खतर संभोल मैं पानी मैं कट पोस तम लग मे पे पानी, मगर इस गवर्नमेंट या डी सी सब अनंत नाग बाकी यम सपोर्ट्स गोड़ कत एरिया इंडस्ट्रीज एरिया ये गोस गई क्रिकेट खुद स्टेडियम मिनी स्टेडियम या लेदर बॉल खे डी सी सबस ये गुजारिश कर अगर तुम थोड़ा मरब मतलब कास्को टूर्नामेंट या ग्राउंड खुद अगर तुम बनाएं सहर बेहतर, मगर मतलब ये गिंदन या गिंदन अच्छा गिंदन, मगर गिंद खुद सह ग्राउंड ठीक क्या यह पाई अजक लड़कन मतलब ये टूर्नामेंट चलान मे कूत सख्ती गोडन पे पे मतलब पोस इन्वेस्टमेंट कर ग्राउंड टूर्नामेंटस खुद गोडनते पे थोड़ा मरम्मत कर घास लगभग पांच फुट थोद सो कटर सी चुन कटर वलिस पांच दिन अलग पत् पे जेसीबी अन जेसीबी थोड़ा लेवल कड़ी पत् पे टर्फ बनाव सह बन पे अत बेलो सनो टर्फ अस डी एम एस डी एम बिजबार तमिस तान ये कत वा अस दीन यह ग्राउंड संभाल जमीन जरूरत क्या अस दिन ग्राउंड ग्राउंड संभाल जन सुबह शाम पे लड़कन खुद या मॉर्निंग वॉक कर इवनिंग वॉक कर या क्रिकेट मैच गिंद खुद तुम पाई ऑलरेडी कोविड 19 अम सूद डिप्रेशन ये डिप्रेशन दूर करने खुद खोलो मतलब मे पुन दिमाग वन खुलाओ टूर्नामेंट अमे यूथ गोड़ा रिफ्रेश हिश ये मकसद अस दिन लास्ट मे यही अस दिन थोड़ा ग्राउंड। बहरहाल यहाँ पे थे मकामी लोग, शकील अहमद ने खुद एज वॉलंटियर बन के यहाँ पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया लोकल लेवल पे। शकील अहमद का ख्वाब यही है कि कब यहाँ पे गवर्नमेंट आएगी, कब उनके जो है उनकी आंखें खुल जाएंगी, जब यहाँ पे सरकार एक मिनी स्टेडियम तैयार करेगी और उसके बाद इम्यूनिटी हासिल करने के लिए कोविड 19 कोरोना वायरस को हराने के लिए संगम के इलाके के जो लोग हैं यहाँ पे सुबह सवेरे आके वॉक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी बात की है कि उनको एक ग्राउंड यहाँ पे होना चाहिए, सरकार को चाहे कि आने वाले दिनों में यहाँ पे एक स्पोर्ट्स स्टेडियम होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि के सिद्धा साहब जो जिला के तरक्याती कमिश्नर हैं वो खुद इलाकों का दौरा कर रहे हैं और यहाँ के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में यहाँ पे दौरा करेंगे और यहाँ पे एक मिनी स्टेडियम पे फाउंडेशन स्टोन डालेंगे, उम्मीद यही कर दे कि आने वाले। हालांकि ये जो एरिया है ये इंडस्ट्रियल एरिया है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज एरिया करार दिया है गवर्नमेंट ने, चाहे हम पुजडंग की बात करेंगे, सत्थर की, हालमुला की, तो इसको पूरी तरह से इंडस्ट्रीज एरिया करार दिया, यहाँ से स्पोर्ट्स गुड्स भी फराहम किए जाते हैं। मगर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर आपने
इंडस्ट्रियल स्पोर्ट्स एरिया करार दिया है तो फिर वो फैसिलिटीज कहाँ है। यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड होना बहुत जरूरी है और यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी का स्टेशन भी होना बहुत जरूरी है। कई सारे सवाल भी खड़ा हो रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों में जुनून है मगर उनके पास मैदान नहीं है। कितना अच्छा होता अगर यहाँ पे ये मैदान बन जाता, क्योंकि ये नेशनल हाईवे पे वाका है, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे यही से गुजरता है और बच्चों में भी काफी जुनून है तो जरूरत इसी बात की है कि यहाँ पे एक ग्राउंड बनाया जाए। जहांगीर गनाई के साथ मैं अब्बास मजीद, कश्मीर क्राउन, संगम, अनंतनाग। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।